का जो राष्ट्रीय पर्व है हर साल मनाते हैं, और ये हमारे देश की आज़ादी का त्यौहार है। हम इसको बहुत बढ़ चढ़ के अच्छे तरह से मनाते हैं। रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार है, हमारे हिंदू का पवित्र त्यौहार है। इसमें जो राखी है, बहन अपने भाई को राखी बांधती है, ये संदेश देती है कि भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए इस धागे से हमेशा प्यार रहता है, अपनी बहन की रक्षा करता है, ये इसका संदेश देता है। प्रीतम जांगिड़, अभी आने वाले कल जो 15 अगस्त है, उससे सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और 15 अगस्त की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। सभी अच्छे से मनाए, देश के अंदर भाईचारा बनाए, एकता बनाए, और देश की सुरक्षा रक्षा, गांव के विकास सभी अच्छी तरीके से करें, और सबको शुभकामनाएं। शहीदों के जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, बलिदान दिया, उनके लिए हमारी प्रेरणा है। उन महापुरुषों को हमेशा याद करना चाहिए, इसे उनको हम याद करते हैं, उनकी याददाश्त को उनके हमें सम्मान करना चाहिए। बदौलत आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, आज जो हम सुरक्षा में बैठे हैं वो सब उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की देन से आज हम बैठे। ये 15 अगस्त का तो ये स्वतंत्रता दिवस है, इसके हम सबके बधाई देवा साहब के जन्माष्टमी आ रही से, रक्षाबंधन आ रहा है, इनका सबका चोरी मना कर रखे और अपने भाई मास्क मूस लगा कर रखे, अभी कोरोना गया नहीं है, सब अपने त्यौहार राज्य खुशी अपने आराम से मनाए। भाई डरते ऐसे बचाव में ही है का फायदा, 2 गज की दूरी हुई, मास्क हुआ, ये अपना सोशल डिस्टेंसिंग का अपने ये करके। मेरा नाम सुखदेव, पंजाब स्टूडियो है मेरा। अब एक दो तो दिन में 15 अगस्त आने वाली है, राष्ट्रीय पर्व है, और इसको अच्छी तरह मनाना है। और आजकल बीमार ये कोविड भी जो चल रहा है, अभी गया नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करें, और जो भी आगे त्यौहार आ रहे हैं उनको भी अच्छी तरह मनाएं। भाई दूजे जैसे रक्षाबंधन है, तो सॉरी रक्षाबंधन है, और भी अब तो जन्माष्टमी भी है, जिसमें भीड़ भाड़ का थोड़ा ख्याल रखे, मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, हमारा यही कहना है। और तकरीबन स्कूल भी मोस्टली बड़े बच्चों के खुल गए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बीमारी अभी तक गई नहीं है, और WHO का भी कहना है अभी तीसरी वेव आने वाली है, तो इसके ध्यान में रखते हुए थोड़ा अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल ख्याल। थैंक यू। मोहित अग्रवाल, एडवोकेट हूँ, रेवाड़ी ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी हमारे देश का बड़ा त्यौहार स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, साथ में रक्षाबंधन है और अन्य त्यौहार भी आ रहे हैं। इन सभी के लिए अपने सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, और साथ में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश इस कोरोना की विपत्ति से जल्दी मुक्त हो, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से पहले की तरह चला सकें। इस समय हमें, मेरा मानना है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही त्यौहार और उत्सव मनाने हैं, और उसी के अनुसार सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार ही हमें अपने त्यौहारों को संपन्न करना। सभी त्यौहार हम हर्षोल्लास से मनाएं। इस पिछले जो दो कोरोना की लहरें गई हैं, उसमें हमने अपने निकटजनों को, आत्मीयजनों को खोया है, तो उसका भी दुख का एहसास हमें है, लेकिन त्यौहार हमारे जीवन को गति देते हैं। चलना है हमें, जीवन में गतिमान रहना है, त्यौहार मनाने भी रहेंगे, तो इनको हर्षोल्लास के साथ मनाएं, घर में रहकर मनाएं, अपने परिवारजनों के साथ सेलिब्रेट करें।